नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं एक वर्किंग फीमेल, 43 इयर्स इनकी एज है और इन्होंने कुछ अपने बारे में बताया हमें कि ये जीवन में इनका करियर कैसा रहेगा। और इन्होंने ये भी बताया कि हस्बैंड के कुछ अफेयर्स इन्होंने देखे तो जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है, फाइनेंशली भी दिक्कत देख रही हैं, तो आगे जीवन कैसा रहने वाला है। बच्चे फॉरेन कंट्री में सेट हैं तो क्या फॉरेन कंट्री में ये भी सेट हो जाएंगी, कुछ इस तरह के इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम क्या कहता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हस्बैंड का कैसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इनके हाथ में, तो ये देखिए यहाँ पर ये रेखा इस तरह से और ये फोकनुमा हो गई। तो एक तो ये आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या विचारों का कम मिलना, जैसे हम बताते हैं, अलगाव की स्थिति भी लाता है। यानी कि एक तो डोमिनेटिंगनेस हो गई हस्बैंड की और दूसरा कि आपस में दूरी बना देना, दूरी हो जाती है। जितना फोर्क बड़ा होगा, जैसे कि फोर्क में जितनी ज़्यादा दूरी होती है उतना हस्बैंड वाइफ में दूरी बन जाती है। लेकिन रेखा लंबी है तो ये अलग नहीं होने देगी इनको। दूसरी चीज़ मैं इनको देखूँगी, मैंने इनके हाथ में देखा यहाँ पर एक रेखा यहाँ से आके भी ये इधर टच कर रही है, इस तरह से आके टच कर रही है, देखिए इस तरह से टच कर रही है। तो ये भी किसी तीसरे का इंटरफेरेंस दिखाती है। और इनके लेफ्ट हैंड में भी कुछ ऐसा ही इंडिकेशन मुझे मिला, ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे एक रेखा ने कट करा। कुछ लोग संतान रेखा कहते हैं, बट संतान रेखा इस तरह से नहीं होती, ये रेखा ने कट लगाया है। और ये देखिए ये रेखा, ये इस तरह से ये रेखा। तो जब भी ऐसी रेखा या इस तरह से फोकनुमा हो जाना, साथ में ये रेखाओं का टच करना, तो ये किसी ना किसी का इंटरफेरेंस दिखाती हैं। इंटरफेरेंस करने वाला कोई भी हो सकता है, कई बार घर के मेंबर्स भी होते हैं, बाहर के मेंबर्स भी होते हैं, अफेयर भी हो सकता है पार्टनर का। इस तरह की चीज़ें ये इंटरफेरेंस करके शादी को ख़राब करना, शादी में बाधाएं लेकर आना, सुख में गृहस्थ जीवन को नष्ट करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इंसान भले ही एक छत के नीचे रहें पति पत्नी, बट वो रिश्ता उनका पति पत्नी वाला नहीं होता और ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए पत्नी परेशान रहती है और वो रिश्ते को एक तरह से चलाती रहती है, एक तरह से ढोना रिश्ते को आप कह सकते हैं कि रिश्ते को बेमन से चलता है, या समाज के डर की वजह से, या समाज को दिखाने के लिए कि हाँ हम पति पत्नी हैं, तो रिश्ते में इस तरह का रिश्ता बन जाता है। तो ये कह सकते हैं हम गृहस्थ जीवन में खुशियां ख़त्म हो जाती हैं और एक नीरस रिश्ता चलता रहता है। अब देखिए इसका क्या फ्यूचर है, आगे क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। देखिए जिस तरह की रेखा है, भले ही इनके ये देखिए फोक है यहाँ पर, लेकिन और रेखाओं का इंटरफेरेंस है, लेकिन ये समय के साथ छूट जाएगा। और वो क्यों छूटेगा वो भी हम बताएंगे। ऐसे ही मैंने राइट हैंड में भी देखा, तो राइट हैंड में भी मुझे यही चीज़ ये देखिए राइट हैंड में भी ये रेखा इस तरह से फोक नुमा हो रही है, इंटरफेरेंस दिखता है, लेकिन ये अलग होने की स्थिति नहीं दिखाएगी। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मैरिज लाइन में यहाँ पर भी ये डिस्टर्बेंस, ये देखिए ये इस तरह से ये डिस्टर्बेंस आ रहा है। अगर ये सीधी एकदम चलती तो डिस्टर्बेंस नहीं आता, लेकिन ये इस तरह से डिस्टर्बेंस दिखा रही है, लेकिन फिर भी शादी चलेगी। और हम इनकी भाग्य रेखा पर भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर ये वर्किंग लेडी हैं, इसलिए हम इनका राइट हैंड देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर रेखा में दबाव है, इस हिस्से में ये ऐसा लग रहा है काफ़ी सालों से परेशान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये साल दो साल से परेशान है, ये कम से कम 8 से 10 साल से ये परेशान है ऐसा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर कट्स भी हैं, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखना, परेशानियाँ देखना, ये सब। और ये देखिए रेखा एकदम दबाव नुमी है, लेकिन जैसे ही ये 45-46 क्रॉस करेंगी, ये देखिए ये रेखा स्मूथ होने लगी और इस तरह से चलने लगी आगे, तो फाइनेंशली इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगी ये, साथ ही साथ जो दिक्कत परेशानियां हैं लाइफ में स्मूथ में वो दिखाई पड़ती है। ये देखिए ये फाइनेंशली इंडिपेंडेंट होने का योग दिखता है, इस तरह से चलती रहेंगी। हम ये कह सकते हैं 53 के बाद यहाँ पर फिर से कुछ और नया करेंगी, जीवन में बदलाव आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन था इनका कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, वो भी हम देखेंगे। एक चीज़ और, मस्तिष्क रेखा पर ये देखिए दबाव है, ये देखिए तो ये कम से कम ऐसा लगता है 45-46 वर्ष तक परेशान रहेंगी, एक तरह से परेशानियाँ उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी। देखिए मस्तिष्क रेखा स्मूथ हो रही, इस मस्तिष्क रेखा को देखें, यहाँ वाली मस्तिष्क रेखा को, ये देखिए
कितना दबाव है, ऐसा लग रहा है जैसे कि दबाया गया हो मस्तिष्क रेखा को, जैसे पेन चला देते हैं। यहाँ पर स्मूथनेस फाइन सी होती जा रही है, पतली सी, तो ये चीज़ दर्शाती है। ऐसे ही ये देखिए, तो ये समय के साथ साथ 45-46 वर्ष तक में आते आते समस्या इनकी सुलझ जाएगी और चीज़ें अपने आप लाइन पे आ जाएंगी। और अब देखते हैं कि जैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का भी हमने प्रश्न देखा, साथ में हमने देखा कि मस्तिष्क रेखा भी साफ़ हो रही है, यानी कि जो गृहस्थ जीवन की दिक्कतें हैं वो भी दूर हो जाएंगी। और अब हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्री जाने का इन्होंने पूछा था, तो वो क्वेश्चन का आंसर क्या दिखता है। देखिए, इनके हाथ में फॉरेन कंट्री से लिंक साफ दिखाई देता है। यहाँ से रेखा इस तरह से ये चली, भाग्य रेखा, और यहाँ से इस तरह से जा रही, लेकिन ये देखिए एक रेखा बड़ी साफ इस तरह से आ रही है। ये फॉरेन कंट्री ज़रूर जाएंगी, फॉरेन कंट्री में सेट होने के, देखिए सेट होने के चांसेस दिखते हैं यहाँ से, और आगे जाके जीवन में और देशों की भी यात्राएं करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह तक लिमिटेड रहेंगी, एक ही जगह तक रहेंगी, इनके बच्चे इनको अपने पास फॉरेन कंट्री बुला लेंगे, और जब ये बच्चे सेट हो जाएंगे तो ये वहीं फॉरेन कंट्री जाके रहेंगी, और फॉरेन कंट्री में हो सकता है कि ये भी कुछ अर्निंग का मोड बना लें, कुछ ऐसा ऑनलाइन वर्क करने लगें, कुछ ऐसा वर्क करें कि जो वर्क फ्रॉम होम हो, इस तरह से ये अर्निंग के अपने मोड्स बना लेंगे। तो इनके लिए देखिए फॉरेन कंट्री के योग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके हाथ में दिखाई देते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग है इनके हाथ में। और मैं इनको ये सजेस्ट करूँगी, अभी ये जैसे उन्होंने बताया टीचिंग जॉब कर रही हैं, तो टीचिंग जॉब भी इनका चलता रहेगा, गुरु इनका बड़ा है, हालांकि थोड़ा सा दबा हुआ है, बट टीचिंग जॉब कंटिन्यू कर रही हैं ये, और ये टीचिंग जॉब अच्छे से कर ले जाएंगी। इन्होंने बताया कि इन्होंने पहले काफ़ी पैसा लगा के बिज़नेस किया पर बिज़नेस फेल हो गया। देखिए इनकी जो बुद्ध रेखा है, बुद्ध रेखा इस तरह से हो, इस तरह से हो तो वो सक्सेस देती है, ये लहरा रही है, देखिए टूट रही है इस तरह से, तो ऐसी बुद्ध रेखा बिजनेस में लॉस कराती है। ऐसे लोग अपना बिजनेस नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ सामान को बेचने का बिजनेस करें कोई भी तरह का, तो वो इनको लाभ नहीं देगा, वो लॉस ही कराएगा बुद्ध रेखा जब स्ट्रांग नहीं होती इनको। बल्कि ऐसे में ये देखिए यहाँ से ये फॉरेन कंट्री से इनकम के लाभ हैं, तो ऐसे में इंसान कोई कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करे, ऑनलाइन वर्क करे, तो उसमें लाभ मिलता है। परंतु ये रेखा जब इतनी ज़्यादा, चंद्र पर्वत भी देखे अगर इनका अच्छा खासा स्ट्रांग है, और ये रेखा यहाँ से निकल रही है, तो पूरी तरह से विदेश से लाभ दिलाती है। देखिए विदेश से लाभ मतलब बच्चों से भी सपोर्ट मिलता है, बच्चे विदेश में हैं तो वो आपको पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे आपको, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसे ही 46 के आसपास का समय आएगा, आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी खुद ब खुद आपकी सॉल्व हो जाएंगी। वो बच्चे आपको आपके पास, अपने पास फॉरेन कंट्री बुला लेंगे, वहाँ पर आपको और बहुत नए ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे, बहुत नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, और एक होता कि नए वर्क मोड तरीके से पैसा कमाने का नया वर्क मोड भी आपको मिलेगा वहाँ पे, नए नए तरीके, जैसे होता है कि वर्क फ्रॉम होम होते हैं या ऑनलाइन वर्क, कुछ भी इस तरह का जो आपको सूट करेगा, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी इनकम के सोर्स भी दिखते हैं। और जैसे कि हमने देखा था भाग्य रेखा काफ़ी डिस्टर्ब है, यहाँ पर भी देखें तो ये डिस्टर्ब सी है भाग्य रेखा, यहाँ पर भी काफ़ी दबाव टाइप की भाग्य रेखा थी, लेकिन जैसे ही 45-46 क्रॉस करेंगी एकदम साफ स्वच्छ हो जाएगी, और 53 के बाद तो ये रेखा इस तरह से चल रही है, और ये तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जो परेशानी है वो प्रेजेंट समय की है, और इसके लिए मैंने इनको उपाय बताया था, वो उपाय करती रहें। अब चलते हैं इनके हाथ में एनालिसिस की ओर, देखेंगे जो बाकी चीज़ें, इनका बाकी हाथ क्या कहता है। एक चीज़ और बताएंगे, इन्होंने हमें बताया था कि इनके दोनों थम्स के नीचे तिल है। देखिए जब भी थम के नीचे तिल होता है तो इंसान के गृहस्थ जीवन में ज़रूर दिक्कतें आती हैं। मुझे पिक्चर में देखिए यहाँ तो ऐसा नहीं दिखा, शायद बहुत छोटा तिल हो, तो वो गृहस्थ जीवन में इंटरफेरेंस लेकर आता है, चाहे वो ससुराल पक्ष से इंटरफेरेंस हो, चाहे किसी बाहर वाले का इंटरफेरेंस हो, यानी कहने का मतलब है किसी भी तरह से इंटरफेरेंस हो तो वो शादी में इंटरफेरेंस लेकर आता है और शादीशुदा जीवन को ख़राब करता है। लेकिन अगर तिल छोटा सा है तो समय के साथ साथ असर नलीफाई हो जाएगा। पिक्चर में दिखाई नहीं दिया है तो मुझे लगता है कि तिल जो है बहुत छोटा सा होगा, तो वो समय के साथ साथ उसका असर नलीफाई हो जाएगा। और बाकी हम इनको उपाय बता देंगे, तो वो उपाय करने से भी इनके गृहस्थ जीवन की खुशियाँ वापस आ जाएंगी। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए हाथ में ये देखिए स्क्वायर्ड पाम है। जब भी ऐसा स्क्वायर्ड पाम होता है हाथ में तो इंसान काफ़ी मेहनती होता है, अच्छा मेहनत, एक कहना चाहिए हर चीज़ अपनी मेहनत के बलबूते पर पाता है और अपने मेहनत के बलबूते पर काफ़ी कुछ कर लेता है।
पाम का कलर पिंक है, अच्छा खासा पिंक है, इनको पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रही होगी जीवन में। और ऐसे लोगों को जीवन में भले ही समय कमजोर आ जाए, ये हो सकता है कि 3-4 साल जीवन के खराब बीते, कुछ समय 7-8 साल खराब बीत जाए, लेकिन एक कहना चाहिए बचपन अच्छा बीतता है, यंग एज अच्छी बीतती है और आगे भी जीवन बढ़िया बीतता है। यानी कि समय जब खराब आता है वो समय झेलना पड़ता है, उसके अलावा जो समय आता है जीवन में उसमें काफ़ी ये लोग अच्छा समय भी देखते हैं। इनके पास जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। हाथ में देखें तो यहाँ पर ये देखिए एम का चिन्ह भी बन रहा है इस तरह से। एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। ऐसे में इंसान देखिए क्या होता है कि इंसान अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करता है, अपने दिमाग के इस्तेमाल करके अपना भाग्य बनाता है, अपने भाग्य को भाग्य से पैसा कमाना, और ऐसे में अपना जीवन भी संवारता है और हृदय भी अपना खुश रखता है, ऐसे में हृदय भी खुश रहता है। यहाँ पर हाथ में देखें इनके तो ये देखिए इंटरनल पोजीशन सॉलिड है, धन की तिजोरी अच्छी भरी हुई है। यहाँ पर देखा जाए ये इस तरह से ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल थोड़ा छोटा बनता है, ये मतलब बैंक बैलेंस होता है इंसान के पास, लेकिन क्या होता है कि इंसान को कभी कभी लगता है कि मैं कैसे करूँ, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे पैसे की दिक्कत हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती है। यहाँ पर देखें तो ये एक जो ट्रायंगल है ये देखिए लहराता हुआ बन रहा है, ये इस रेखा को कंप्लीट कर रहा है, ये एक अंदर भी ट्रायंगल बन रहा है और एक ये बाहर भी ट्रायंगल बन रहा है, तो ग्रेटर ट्रायंगल ये इस तरह से बनता है। तो ये पैसे रुपए की दिक्कत इनको जीवन में आगे नहीं होने वाली, पैसा रुपए इनके पास खूब रहेगा और आगे भी जीवन में लाइफ अच्छी लग्जरियस भी रहेगी। अब देखिए हाथ में यहाँ पर अगर हम इनके देखें तो जीवन का ग्राफ ये देखिए ये इस तरह से चल रहा है। स्ट्रगल ऐसा कुछ खास नहीं है जीवन में, ये समय इनका ख़राब आ गया है इसलिए परेशान हो रही हैं, इसलिए दिक्कत इनके जीवन में आ रही है। बाकी ये ऐसा हाथ है गिविंग हैंड है जीवन में, अगर ऐसे लोग जो ख़ास तौर से जो लेडी हैंड होते हैं बचपन भी अच्छा बीतता है, यंग एज भी अच्छी बीतती है और आगे भी जीवन सुखमय रहता है। और इनके एक होता है कि जिस भी घर परिवार में जाती हैं भाग्य देती हैं ऐसी लेडीज़, और इनका जीवन ये कहना चाहिए सुख सुविधा इनके पास खूब होती है। अब हाथ में देखें इनके तो यहाँ पर उनकी उंगलियों पर चलते हैं, ये देखिए उंगली ये इस तरह से मुड़ रही है। तो ऐसे में इंसान भगवान में बहुत आस्था रखता है, एक रिलीजियस माइंडेड होता है, कई बार मंदिर जाने की भी इच्छा इनकी काफ़ी होती है। ये देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव लाइन्स हैं, काम कितना ही अच्छा कर लें लेकिन दूसरे ज़रूर ताने सुनाते हैं, होता क्या है कि आपने किसी की मदद करी लेकिन बदले में आपको बुराई मिलना, इस तरह की चीज़ दिखती है। यहाँ पर देखें हाथ में तो ये देखिए ये इस तरह के ये गुरु की फिंगर लंबी है। जब भी गुरु की फिंगर लंबी होती है इंसान बहुत स्वाभिमानी होता है, इंसान ऐसे लोग कभी भी चाहे कम में काम चला लेंगे लेकिन ज़्यादा किसी से मांगने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, इनको रहता है जो मेरे पास है जितना है मैं उसमें काम चला लूँगी लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, इस तरह की इनके अंदर विचारधारा देखी जाती है। और ऐसे लोग अपने आप अपने बलबूते पर बहुत कुछ करने की काबिलियत रखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काबिलियत होती है इनके अंदर, मुसीबत कैसी भी आए कैसा भी समय आए लेकिन हिम्मत नहीं हारते। ऐसे लोग काफ़ी कुछ अपने सोचते हैं कि ठीक है आज मेरा समय भले ही ख़राब है लेकिन मेरा टाइम अच्छा भी आएगा और मैं अपने जीवन में अपने बलबूते पे करके भी दिखा सकती हूँ और करके भी दिखाऊंगी, इस तरह की इनके अंदर बड़ी स्ट्रांग भावना देखी जाती है। अब हाथ में देखें तो यहाँ पर ये छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक आ रही है, ऐसे में टैक्टफुल होते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं हर चीज़ के ऊपर, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है, हर चीज़ को बारीकी से एनालाइज करते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले होते हैं। अब हाथ में चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें इनके फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ये उल्लन लूप है। ऐसे में इंसान को कई बार प्रोफेशन चेंज भी करना पड़ता है और कई बार होता है कि इंसान अपने प्रोफेशन से अनसेटिस्फाइड होता है। और देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्लन लूप है, जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या आती है इंसान अपनी समस्या को खुद टैगल करता है और उससे बहुत बड़ा लेसन भी लेता है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए सूर्य की फिंगर पर इस तरह का उल्लन लूप है, ये देखिए सक्सेस देरी से आती है। ऐसे लोग जब भी कोई काम करते हैं तो ऐसा लगता है सक्सेस बहुत देरी से आना, धीरे धीरे आना, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ये देखिए इस तरह की नेगेटिव रेखा भी हैं, तो ओम का उच्चारण ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहता है। ये रेखा क्या करवाती है कि कोई अच्छा काम करोगे तो तारीफ दूसरे ले जाते हैं, लेकिन कोई ख़राब काम करा होगा तो कोई दूसरे ने ख़राब काम करा तो उसका इल्ज़ाम इनके सर पर लग जाना। यहाँ पर देखें तो इस तरह का उल्लन लूप है, स्टॉक शेयर मार्केट जुआ सट्टा इस तरह की चीज़ों से इनको दूर रहना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर
अगर देखें तो ये इस तरह की रेखा भी दिखती हैं, खड़ी रेखा है, तो ये इंसान को काफ़ी भाग्यशाली भी बनाती हैं और रुपए पैसा इनको काफ़ी दिलाती है। अब देखिए हाथ में ये था राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स, अब देखते हैं अंगूठा इनका क्या कहता है। ये देखिए हाथ में अगर हम देखें तो ये इस तरह का उल्टा लूप है। ऐसे में इंसान अपने जीवन में अपने परिवार वालों को बहुत प्यार करता है, परिवार वालों का ध्यान रखना, जान न्छावर करना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। अंगूठा काफ़ी ज़्यादा पीछे की ओर बेंट हो रहा है, तो ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। इन लोगों के बहुत ज़्यादा ख्वाब नहीं होते, इन लोगों को होता है कि नहीं मुझे जो है मैं जैसी भी परिस्थिति है मैं उस हिसाब से ढाल लूँगा। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं और इनके अंदर ये नहीं होता कि मैं तो इस चीज़ के बिना जी नहीं सकती, मुझे तो इतना ही चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। लेकिन हाँ, इन लोगों का होता है कि नहीं, जितना मिल गया जो मिल गया उसमें खुश रहना इनका स्वभाव होता है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव रहेगा, ये विल पावर को कमजोर कर रही है। कई बार होता है इंसान कोई काम करता है, सब तो कुछ करता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बाधाएं ले लेकर आते हैं, काम को बनने नहीं देते। यहाँ पर देखिए यव का चिन्ह है, ये बहुत अच्छा माना जाता है, ये इंसान को बहुत तरक्की दिलाता है, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करता है ऐसे लोग, और ऐसे लोग एक अच्छे संस्कारी परिवार में पैदा होते हैं। यहाँ पर देखें तो लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका अच्छा है। और तो ये थे इनके पांचों फिंगरप्रिंट्स, इनके देखे हमने सब में उल्टा लूप है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हमें उल्टा लूप दिखता है, यानी कि अपने प्रोफेशन से अनसेटिस्फाइड होना, प्रोफेशन बार बार चेंज करना। अब बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर भी ये रेखा है। तो जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड में बताया था कि इंसान को किसी की मदद करने के बावजूद भी परेशानी देखना या ताने सुनने को मिलना, ये देखिए यहाँ पर उल्टा लूप है इस तरह से। तो ये बताता है कि इंसान अपने जीवन में जो भी दुख परेशानी आती है उससे सबक लेता है, उससे आगे बढ़ता है, उस परेशानी को झेलने के बाद ये नहीं सोचता कि परेशानी अच्छा हुआ चली गई, वो उससे बहुत सारे लेसन्स लेते हैं। ये देखिए परेशानियों का आना, बिन बुलाए मुसीबत, बिन मतलब की मुसीबतों का आना। और ये देखिए यहाँ पर भी ये नेगेटिव रेखा बताती है कि जैसे कि कोई काम करने में नेम फेम मिलने में दिक्कत होना, ऐसा लगता है कि बार बार कि किसी ने काम बिगाड़ दिया लेकिन नाम इनके ऊपर लग जाना, या काम की तारीफ, काम इन्होंने करा तारीफ ना मिलना। अब वो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह का पिकॉक साइन इनके हाथ में मुझे देखने को मिला। तो ये पिकॉक साइन जब भी हाथ में होता है तो ऐसे में इंसान जीवन में तरक्की पाता है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को तरक्की ना मिले, भले ही नेम फेम देर से मिले इनको, ऐसे लोगों को 45 के बाद जीवन में अच्छी तरक्की मिलती है। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर उन्हें डूब है, ऐसे लोगों को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ता है। कभी भी किसी को पैसा दें तो विश्वास करके ना दें, सोच समझ के अपना खुद ऑब्जर्व करके तब पैसा दें। अब आते हैं अंगूठे की ओर, देखें लेफ्ट हैंड का अंगूठा क्या कहता है। ये देखिए यहाँ पर भी देखें तो उल्टा लूप है, हमें उल्टा लूप इनके हाथ में दिखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब इस अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने परिवार को बहुत प्यार करना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और ये देखिए ये आपका चिन्ह भी इन्हें, एक होता है अपने परिवार के संस्कार को फॉलो करना, एक अच्छे परिवार में जन्म लेना, उन अच्छी आदतों को अपने बच्चों में फॉरवर्ड करना, इस तरह की चीज़ दिखती है। देखिए अगर हम 10 उंगलियों का समावेश निकालें, समराइज करें, तो हमें सब में 9 उंगलियों में उल्टा लूप मिले और एक हमें सूर्य की फिंगर में हमें पिकॉक का साइन मिला। तो सूर्य की फिंगर में पिकॉक का साइन, सक्सेस भले ही देरी से आए लेकिन सक्सेस ज़रूर आती है, इंसान जीवन में ज़रूर आगे बढ़ता है। और अब चलते हैं इनके माउंट्स की ओर, यानी कि पर्वतों की ओर, और फिर देखते हैं कि पर्वत क्या कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये गुरु पर्वत अच्छा बड़ा गुरु पर्वत है, हालांकि थोड़ा सा कंप्रेस्ड है, शायद गृह जीवन में दिक्कतें हैं इसलिए ऐसा है। लेकिन ये गुरु पर्वत जब इतना बड़ा होता है तो इंसान टीचिंग जॉब, जब जैसे इन्होंने कहा टीचिंग जॉब ये कर रही हैं, तो टीचिंग जॉब में तरक्की भी दिलाता है, टीचिंग जॉब सक्सेसफुली कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पावर अच्छी होती है। देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी रेखाएं ये बताती हैं सिंपैथिक नेचर के बारे में। ऐसे लोग कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ऐसे लोग बहुत भले भोले दिल के होते हैं। इनके अंदर होता है कि अगर किसी की मदद कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसका बुरा मत चाहो, इस तरह की इनके अंदर भावना होती है। इनके अंदर अगर ये होता है कि यहाँ तक होता है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ किसी के लिए, तो ठीक है
मुझे करना चाहिए, चाहे वो पैसे रुपए की हेल्प ना हो। भले ही ये होता है कि किसी को आप अपनी तरफ से कुछ, घर में कोई सामान रखा है उसे दे के, किसी भी तरह से किसी भी रूप में आप उसकी मदद करने के इच्छुक रहते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग दूसरों के लिए, एक होता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी इनका टच होता है, और इनको लगता है कि कम से कम कि बुरे कर्म हमारे हाथ से नहीं होने चाहिए, आखिर हमें भी भगवान के घर जाके मुंह दिखाना है। इस तरह की सोच वाले व्यक्ति देखे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एपेक्स का चिन्ह है, अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट रखना, अच्छी नॉलेज गेन करना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर देखें हाथ में तो ये देखिए, यहाँ पर ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर है। ये देखिए, ये इस तरह का मछली का चिन्ह इनके हाथ में है। ओल्ड एज लग्जरियस रहती है, भाग्य रेखा देखिए यहाँ से ये इस तरह से आ रही है। ओल्ड एज लग्जरियस रहती है ऐसे लोगों की, और ऐसे लोग, ये देखिए इतनी बड़ी फिश हो तो इंसान जीवन में ओल्ड एज में दुख नहीं उठाता, तरह तरह के आराम उसको मिलते हैं। अब देखिए शनि पर्वत थोड़ा सा अगर हम देखें तो बैठा हुआ है, अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो, यानी कि मन में परेशानी का होना, मन का खुश ना होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर देखें हाथ में तो ये देखिए इतनी बड़ी विद्या की रेखा है। जब इतनी बड़ी विद्या की रेखा हाथ में हो और किसी टीचर के हाथ में हो, तो वो अपना ज्ञान अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा देते हैं। और ऐसे लोग जीवन में पढ़ने के शौकीन होते हैं। ऐसे लोगों का ये नहीं होता कि स्कूल कॉलेज ख़त्म हो गया तो हम भी पढ़ाई बंद करो, नहीं, ये लोग किसी ना किसी रूप में सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं। यहाँ पर देखें तो ये देखिए इस तरह का शुक्र वलय बन रहा है। इस तरह का शुक्र वलय जब भी बनता है, इंसान दूसरों को भाग्य देता है। पैदा हुए तो माता पिता को भाग्य दिया, फिर बड़े हुए तो शादी, फिर भाई बहनों को भाग्य दिया, शादी हुई तो पति को भाग्य दिया, बच्चों को भाग्य दिया। इस तरह के ये लोग होते हैं, इनका भाग्य अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए काम करता है। लाइफ इनकी अच्छी लग्जरियस रहती है, घर में रहने में खाने में सुख सुविधा के हर साधन इनके पास होते हैं। और देखें तो हाथ में यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, ऐसे लोगों को 48 के बाद काफ़ी अच्छा नेम फेम भी मिलता है। ऐसे लोगों को यही है, देखिए उससे पहले नेम फेम इतना खास नहीं है, लेकिन 48 के बाद काफ़ी अच्छा नेम फेम है। और अगर हम देखें हाथ में, तो ये एक भाले का चिन्ह भी है। देखिए ये भाले का छोटा सा चिन्ह, अगर हम देखें तो ये भाले का चिन्ह है जो इनको रक्षा देगा। ऐसे भाले के चिन्ह क्या होता है, इंसान की रेपुटेशन बचाए रखता है, और भी तरह से इनको प्रोटेक्शन मिलती है ऐसे लोगों को। अब यहाँ पर देखें हाथ में तो ये बुद्ध का पर्वत है, बुद्ध का पर्वत देखते हैं। ये देखिए बुद्ध का पर्वत अच्छा खासा है। ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिशाली होते हैं, ऐसे लोग काफ़ी टैक्टफुल भी होते हैं। और ये देखिए खड़ी रेखाएं ये बताती हैं कि ऐसे लोग एक इमोशनल नेचर रखते हैं, दूसरों को सिंपैथी रखना, दूसरे के टुवर्ड्स एक होता है कि हीलिंग, दूसरों को अच्छी बात समझाना, दूसरों को अच्छी बातें बताना, इस तरह की इनके अंदर स्वभाव देखा जाता है। और इनकी बुद्ध रेखा के बारे में तो हम बता ही चुके हैं। अब ये देखिए अगर मंगल पर्वत को देखें तो मंगल पर्वत इनका थोड़ा मीडियम है। ऐसे लोग लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते किसी से, कि इनको होता रात गई बात गई, बहुत ज़्यादा लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहता इनका मन। अगर हम अंदरूनी मंगल देखें तो अंदरूनी मंगल दबा हुआ है, अंदर से थोड़ा बोल्डनेस की कमी है, बात बात पर डर जाना, बात बात पर डर महसूस करना, इस तरह की इनकी सोच दिखती है। ये थोड़ा सा एक देखें, ये देखिए ये छोटी छोटी रेखा होती है, ड्रीम्स बहुत आते हैं ऐसे लोगों को। कई बार ऐसे लोगों को होता है कि ड्रीम्स में बहुत कुछ दिखाई देना, ड्रीम्स आना, इस तरह की चीज़ होती है। यहाँ पर एक छोटी सी रेखा ये इस तरह की निकल रही है, ये मुझे थोड़ा सा कोर्ट कचहरी का चक्कर दिखाती है, तो ये थोड़ा सा इनको बच के रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, या घर में किसी के कोर्ट कचहरी का चक्कर दिखता है। अब हाथ में देखें तो ये देखिए अच्छा खासा चंद्र पर्वत है, और जैसे कि हमने चंद्र पर्वत से खूब निकलती हुई रेखाएं देखी, और एक ये रेखा लाइन ऑफ डिज़ायर्स यहाँ जा रही है, और इनका फॉरेन कंट्री जाना बिल्कुल निश्चित तय है, फॉरेन कंट्री ही ये चली जाएंगी। और जहाँ तक है मैंने देखा, इनका 45-46 के बाद का समय इनका फॉरेन कंट्री का ही समय है, वहीं चली जाएंगी। अब हाथ में देखें यहाँ पर तो इनके शुक्र पर्वत को देखें, और देखिए चंद्रमा जब इतना हैवी हो, अच्छा चंद्रमा हो, तो इंसान इमोशनल भी होता है। इंसान कई बार होता है बात करते करते रो पड़ना, बात करते करते कई बार होता है टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा है या कोई सीरियल आ रहा है उसको देख देख के ही रो पड़ना, इस तरह का इनका स्वभाव होगा। यहाँ पर देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, जिंदगी में सुख सुविधा के साधन भी होते हैं, लेकिन ये देखिए ये
इस तरह से ये बैठा हुआ शुक्र पर्वत है। उत्साह की कमी होना, जीवन में ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, कहने को घर में चाहे दरवाजे पे दो गाड़ी बाहर खड़ी होंगी, लेकिन इंसान के जीवन में मन में खुशी नहीं होती। इंसान को ऐसा लगता है कि बस सब दिखावा है, सब कुछ देखने भर को है, लेकिन मेरा अंदर से सब मैं खोखली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल भी मेरा मन में शांति नहीं है। इस तरह का एटीट्यूड कई बार या इस तरह की चीज़ों को ये इंडिकेशन दे रहा है शुक्र पर्वत। अब आते हैं हाथ में, यहाँ पर ये देखिए, हाथ में देखिए दो बड़ी बड़ी रेखाएं, एकदम ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी रेखाएं हैं। ये बच्चों का सपोर्ट दिखाती है। जीवन में जब तक जिंदगी है तब तक बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे, बच्चों से आपको काफ़ी सुख मिलेगा आपको। और चलते हैं अब रेखाओं की ओर, देखें कि हाथ की रेखाएँ क्या कहती हैं। अब देखिए हाथ में अगर हम इनके देखें तो यहाँ पर ये इस तरह से रेखा चल रही है, और ये देखिए कितना बड़ा कट है ये, ये अराउंड है 38 के आसपास। ऐसा लगता है 38 के आसपास कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आना जीवन में, 38-39 के आसपास, और बहुत झटका जैसे लगना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाना, इस तरह की चीज़ दिखती है। मॉनेटरी प्रॉब्लम के साथ साथ पारिवारिक समस्या भी कह सकते हैं, और इतना ज़्यादा इस समस्या ही दिखती है जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानी का होना, यानी कि इंसान के मन मस्तिष्क तक में असर आना। और ये बहुत बड़ा कट है, ये स्ट्रेस लाइन इतनी बड़ी राहु रेखा आप कह सकते हैं इतना बड़ा कट कर रही है। यहाँ पर देखें तो ये इधर भी कट कर रही है, इस तरह से ये कट कर रही है, तो ये दिखा रही है जीवन में परेशानियों का आना। तो ये करीब ऐसा लगता है 37-38 के आसपास से, और यहाँ से ये कट आना, तो ये बहुत दिक्कत परेशानी दिखा रही है। लेकिन जैसे ही इनका समय अगर हम देखें तो ये 45 वर्ष क्रॉस करेंगी, ये देखें यहाँ से एकदम साफ स्वच्छ चल रही है रेखा, और ये देखिए इतनी बड़ी रेखा उन्नति की दिख रही है। जैसे होता है ना हर इंसान का टाइम आता है, उसी तरह से चीज़ दिख रही है। 45-46 पे एकदम ऐसा समय आएगा इनका जीवन में तो जो एकदम लाइफ चेंज हो जाना, बहुत रिलैक्स्ड फील करने लगना, ये देखिए। और ये भी ऐसा लगता है 55 के आसपास, ये 45 के आसपास, 45-46 के आसपास, तो ये दो बड़ी बड़ी उन्नति की रेखा है। कुछ ना कुछ नया जीवन में ऐसा शुरू होगा जो बहुत जीवन में उनको ऊंचाइयों पे ले जाएगा, तो ये चीज़ें इनके हाथ में दिखती हैं। और उसके आगे अगर हम जीवन देखें तो कोई दुख परेशानी हमें ऐसी नहीं दिखाई देती। अब वो हाथ में देखें इनके तो यहाँ पे भाग्य रेखा को देखें, ये देखिए भाग्य रेखा यहाँ से निकली और ये इस तरह से चल रही है, 25-26 के आसपास चेंज आना, उसके बाद रेखा तब भी खुरदुरी हो रही है। इसको थोड़ा दूसरी पे ये देखिए, यहाँ पर ये रेखा कुछ खुरदुरी सी हो रही है। ये ऐसा लग रहा है समय 32 के आसपास से लेके 38 तक का समय काफ़ी जैसे दिक्कत वाला, ये देखिए ये रेखा बीच में काफ़ी डिमिनिश सी हो रही है। ये तो 32 से लेके ऐसा लग रहा है 32, और बल्कि 30 अगर हम देखें तो 30 से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई, और उसके बाद से 38-39 तक काफ़ी ख़राब दिख रही है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये रेखा अभी दबाव नुमी चल रही है, ऐसा लग रहा है परेशानियाँ चल रही हैं, पिछली परेशानियों से बाहर तो आ गए लेकिन ये परेशानियाँ अभी भी कंटिन्यू चल रही हैं। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि ये 45 वर्ष के आसपास से चीज़ें एकदम हल्की हो जाएंगी, 45-46 से देखिए ये रेखा एकदम साफ स्वच्छ चल रही है। कोई बड़ा खर्चा भी दिखता है यहाँ पर, ये दिखता है 47 के आसपास का खर्चा, और उसके बाद एकदम लाइन चेंज होती हुई इस तरह से आगे बढ़ रही है, ये देखिए। और ये मछली का चिन्ह इनका बना हुआ ही है। तो ये जीवन में जो परेशानी इनके जीवन में चल रही है वो अभी चल रही है, एक तरह से 43-45 तक में चलेगी, उसके बाद चीज़ें अपने आप संभलनी शुरू हो जाएंगी। अब हाथ में देखें इनके मस्तिष्क रेखा को भी, तो मस्तिष्क रेखा जैसे हमने देखा था यहाँ पर भी काफ़ी दबाव नमी मस्तिष्क रेखा, ये भी काफ़ी दबाव नमी मस्तिष्क रेखा, उसके बाद बिल्कुल फाइन स्मूथ चल रही है। और देखते हैं उस हाथ दूसरी फोटो, ये देखिए यहाँ पर भी खुरदुरी हो रही है रेखा, ये देखिए यहाँ पर भी खुरदुरी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि 30s में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसके बाद भी खुरदुरी हो रही है। लेकिन जैसे ही ये देखिए 45-46-47 क्रॉस होने लगा, रेखा साफ हो गई, ये देखिए एकदम साफ स्वच्छ चलने लगी। और इनफैक्ट इस रेखा में ये देखिए फोर्क नुमा भी हो रही है, तो जब भी ऐसी फोर्क नुमा रेखा हो जाती है ये देखिए, तो इंसान के जीवन में काफ़ी एक्सप्लोरेशन आता है, जो इंसान का जीवन काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ने लगता है, तो ओल्ड एज भी अच्छी लग्जरियस रहती है। यहाँ पर देखिए हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा ये इस तरह से, ये देखिए
जीवन के आखिर में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हृदय रेखा साफ हो रही है, और यहाँ से देखें तो हृदय रेखा बहुत डिस्टर्ब है। ऐसा लग रहा है ये प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आज की या 2-3 साल पुरानी नहीं है, कम से कम 10-12 साल पुरानी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से ये प्रॉब्लम्स को झेल रही हैं, और यानी कि कितना ही कुछ भी कर लो लेकिन अंत में इनको ताने ही मिलते होंगे। खैर अब चलिए, ये तो था इनके राइट हैंड का एनालिसिस, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड इनका क्या कहता है। देखिए लेफ्ट हैंड में यहाँ पर मुझे लगता है इन्होंने जो तिल बताया था वो यहाँ पर है करीब, तो ये लाइफ में इंटरफेरेंस दिखाता है ये। देखिए हालांकि मंगल पर्वत पे आ रहा है ये, तो इसका असर थोड़ा कम हो जाना चाहिए, लेकिन अगर शुक्र की का को अगर ये असर दे रहा है तो ये वही ग्रस्त जीवन में दिक्कतें दे रहा है। यहाँ पर भी देखें हाथ में ये, देखिए ये फॉरेन कंट्री की ओर सब इंडिकेशंस मिल रहे हैं, सब इंडिकेशन फॉरेन कंट्री की ओर है इनके जीवन में, और एक अच्छी इंडिपेंडेंट सोच बताती है इनके जीवन में कि ये अपने परिवार से अलग सोचना, इंडिपेंडेंट सोच रखना इस तरह की चीज़ है। और एक चीज़ और देखिए, पास से देखें तो हाथ में चमक काफ़ी है, चिकनाहट सी ऐसा लग रहा है कि बहुत चमकदार हाथ है इनके, इनके दोनों हाथ ही ऐसा लगता है कि चमक से एक होता है, जैसे कि एक अच्छी एक अच्छे घर परिवार को बिलोंग करने वाली एक रिच लेडी के हैंड का ये टेक्सचर दिखता है। लेकिन ये देखिए इनकी भाग्य में जो दिक्कतें आ रही है वो यहाँ से आ रही हैं, ये देखिए भाग्य रेखा यहाँ पर इस तरह से टूटी सी हो जाना, एक ये रेखा ये देखिए, ये इस तरह से रेखा ने बड़ी जोर का कट मारा है, ये देखिए ये रेखा कितनी लंबी लंबी राहु रेखा है। ये वही टाइम पीरियड है ऐसा लगता है कि 35 वर्ष के आसपास से लेके ये काफ़ी 44 वर्ष के आसपास तक का समय दिखता है ये, देखिए यहाँ पर तो ये वही 10 साल दिखते हैं 35 से लेके, ये अगर हम देखें तो पूरी तरह से इनको 45 तक के ये दिक्कत दिखा रहे हैं इनके जीवन में। इन्होंने बहुत अच्छा समय भी देखा होगा, ये देखिए ये अच्छी उन्नति की रेखा है, ये देखिए ये उन्नति की रेखा, ये कितनी बढ़िया उन्नति की रेखा है, तो ये अराउंड 46 कुछ दिखा रही है। और ये देखिए रेखा यहाँ पर भी एक अच्छे घर परिवार में जन्म लेने का इंडिकेशन देती है, और यहाँ से देखें तो ये फॉरेन कंट्री की ओर सब चीज़ दिखा रही है। ये देखिए सूर्य पर्वत पर भी देखें तो ये देखें ये त्रिशूलनुमा निशान है, ये अपने प्रोफेशन में अच्छा भी कर पाएंगे। ये देखिए बुध की रेखा यहाँ पे भी स्ट्रांग नहीं है, टूटी टूटी चल रही है, तो अपना काम इनको सूट नहीं करेगा, अपना काम अगर ये बिजनेस करती हैं किसी चीज़ का बिजनेस करती हैं तो वो सूट नहीं करेगा, इनको काम बंद करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से ये भाग्य रेखा चल रही है, बीच बीच में ब्रेक्स हैं भाग्य रेखा में, और यहाँ पर भी एक मुझे ब्रेक दिखता है। ये दूसरी पिक्चर लेते हैं इसके लिए, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी राहु रेखा इनके हाथ में, ये इमोशनल स्ट्रेस दिखाती है, धोखे दिखाती हैं। और ये देखिए यहाँ पर मस्तिष्क रेखा कितनी ज़्यादा सूज रही है, ये कितनी ज़्यादा दबाव नमी है मस्तिष्क रेखा, ऐसा लग रहा है देखिए कैसा जैसे कोई सूजन सी आ गई हो हाथ में। ये देखिए हृदय रेखा सूज रही है ये हाथ में, तो ये सब प्रॉब्लम्स दिखती हैं यहाँ पर। देखें हाथ में तो ये देखिए जैसे कि हमने देखा था ये खूब रेखा यहाँ से चंद्र पर्वत से निकलना ये सब इंडिकेशन देती हैं। और यहाँ पर ये देखिए भाग्य रेखा ये यहाँ पर ये हल्का सा कट है, ये दो कट है, खर्चे की निशानी है, तो हो सकता है फॉरेन कंट्री जाने के लिए खर्चा करें, फॉरेन कंट्री अपने बच्चों के पास जाएंगी तो खर्चा करेंगी, तो ये वही समय दिखाता है 45-46 के आसपास का, तो ये वहाँ चली जाएंगी। और ये हाथ पूरी तरह से फॉरेन कंट्री में सेट होना, फॉरेन कंट्री में जाके रहना, वहाँ पर भी ये इनकम करेंगी, वहाँ ऐसा नहीं कि ये खाली बैठे, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी, क्रिएटिव करेंगी ये, और अच्छा नेम फेम भी कमाएंगी। समय अभी प्रेजेंट समय की परेशानी इनके हाथ में ज़्यादा है, देखा जाए तो चंद्र पर्वत अच्छा खासा है इनका, मंगल पर्वत भी अच्छा है, बुध पर्वत यहाँ बहुत अच्छा है, और सूर्य भी इनका अच्छा है, और शनि भी अच्छा है, गुरु देखें तो गुरु थोड़ा सा इनका दबा हुआ है, और देखें शुक्र भी इनका देखिए दबाव, जैसे कि हमने उस हाथ में देखा था उत्साह की कमी होना जीवन में। ये देखिए दो बड़ी बड़ी रेखा है, ये बच्चों का सपोर्ट पूरा मिलना है जीवन में, और ये चीज़ दिखाई पड़ती है यहाँ पर। देखें तो ये रेखा कुछ इस तरह से निकल के आ रही है, ये इस तरह से हो सकता है कि आगे जाके रेखा पूरी तरह से बने, ये इस तरह से इधर की ओर आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं बुध पर्वत की ओर इशारा कर रही है, ये तो सूर्य पर्वत की ओर इशारा कर रही है और ये बुध पर्वत की ओर इशारा कर रही है, तो ये हो सकता है कि आगे जाके समय के साथ साथ ये कंप्लीट हो जाएं इस तरह से। तो जैसे कि हमने हाथ में देखा था अगर ये फॉरेन कंट्री जाती हैं तो हो सकता है वहाँ पर कुछ और काम करें, वर्क फ्रॉम होम या कोई अपना खुद का वर्क करें तो उससे इनको लाभ मिले। ये देखिए अगर हम रेखा को ध्यान से देखें ये इस तरह, ये रेखा इस तरह से टूटी टूटी चल रही है ये, तो अभी प्रेजेंटली रेखा टूट रही है ये,
और ये रेखा ये इस तरह से अधूरी रेखा चल रही है। तो ओवरऑल हैंड हम देखें तो ओवरऑल हैंड अच्छा है, गिविंग प्रॉमिसिंग है। और इनका अगर हम लेफ्ट हैंड देखें तो लेफ्ट हैंड से ज़्यादा अच्छा राइट हैंड है, राइट हैंड में रेखा काफ़ी बढ़िया है। देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद अपने बलबूते पर बनाते हैं। तो राइट हैंड भी काफ़ी गिविंग और प्रॉमिसिंग है, ये इन्होंने किसी अच्छे घर परिवार में जन्म लिया है, काफ़ी सुख सुविधा के साधन भी देखे हैं और आगे अपने बलबूते पर भी बहुत कुछ कर लेंगे। इनको जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ कष्ट उठाने नहीं पड़ेंगे अब आगे, और समय काफ़ी हद तक बीत गया है, काफ़ी जो कष्टकारी समय था वो इनका निकल चुका है। अब बस आगे 45-46 पे इनके जीवन में बहुत चेंजेस आएंगे और ये फॉरेन कंट्री भी जा सकती हैं और वहीं रहना खाना इनका लिखा है। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी दुख परेशानी है इनके जीवन में वो दूर हो और इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।